कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो गाइज, जैसे कि आपको पता ही है, कोविड-19 की महामारी देश भर में फैल चुकी है और हम सब लोग घर पे अपने बंद हैं। लॉकडाउन जगह जगह इंडिया में लगा हुआ है और लॉकडाउन के चक्कर में जो हम अपने घरों में फंसे हुए हैं, काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि हम लोग बहुत नेगेटिव हो गए हैं, एग्ज़ाम कब होंगे, सारे दिन हम क्या करें, हम बोर हो जाते हैं। तो गाइज़, एक अच्छा मौका है, अपने एग्ज़ाम्स की तो तैयारी करते रहिए और उसके साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें करिए, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें करिए। जैसे बहुत ही अच्छा टाइम है, अभी आपके पास समय है, तो आप अपनी बॉडी पे काम कर सकते हो, क्योंकि घर पे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और मुझे खुद को कोरोना वायरस कोविड-19 से मैं इन्फेक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी खाना पीना पड़ा और मेरा वेट गेन हो गया है। तो मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज आपको, सिंपल एक्सरसाइजेज बताऊंगी, जो आप अपने घर पे, कहीं पे भी, किसी वेकेंट रूम में, किसी छत के कोने पे आप कर सकते हो और आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो। तो आज जो हम 5 एक्सरसाइज करने वाले हैं गाइज, वो क्रंचेज होंगे। क्रंचेज बेसिकली आपके एब्डोमिन पार्ट पे काम करता है, ये जो बेली फैट है इसको कम करने में हेल्प करेगा। तो आइए मेरे साथ देखते हैं हम लोग कि कौन से पांच क्रंचेज आज हम करने वाले हैं। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम क्रंचेज की कुछ टाइप करने वाले हैं। क्रंचेज जो है कई टाइप के होते हैं, बट मैं आज ऐसी 5 टाइप डिस्कस करूंगी जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। क्रंचेज जब हम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे इस बॉडी पार्ट पे पड़ता है। हम लोग अपने जो बेली फैट है उसको कम कर सकते हैं और एब्डोमिन पे ये टारगेट करते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ क्रंच करने वाले हैं, हम बेसिक क्रंच है। तो आप इस तरीके से कोई भी मैट ले लीजिए और आपको नीचे उसको बिछा के लेट जाना है। तो आइए देखते हैं बेसिक क्रंच कैसे होगा। आपको अपने पैरों को इस तरीके से रखना है और लेटना है और ऐसे आधा उठना है। तो जब आप ये आधे उठोगे तो आपका जो ये स्ट्रेस लेवल है वो यहाँ पे आएगा और बेली फैट कम होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं, देखिए। सेकेंड टाइप है रिवर्स क्रंचेस, ये भी बहुत इजी है। अगेन जो टारगेट एरिया रहेगा हमारा बेली और एब्डोमिन रहेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो चलिए, पैरों को इस तरीके से हवा में उठाएंगे और इस तरीके से पीछे आपको करना है। तो देखिएगा, पोजीशन का ध्यान रखिएगा। दीज आर कॉल्ड रिवर्स क्रंचेस। थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी आपको, ये है बाइसाइकिल क्रंच। इनिशियली जब आप इसे करना शुरू करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा प्रेशर फील होगा, पर घबराने की बात नहीं है। जब भी आप किसी मसल को टारगेट करते हैं तो थोड़ा पेन उसमें होता ही है। तो आइए देखते हैं बाइसाइकिल क्रंच कैसे करने हैं। तो अगेन पोस्चर वही रहेगा और आपको क्या करना है, अपर बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाना है क्योंकि आपका स्ट्रेस इधर आना चाहिए एब्डोमिन पे, और पैरों को उठाना है। और जैसे आप बाइसाइकिल चलाते हो उसी तरीके से आपको ये यहाँ पे क्रंचेस करने हैं। दीज आर बाइसाइकिल क्रंच, देखिएगा गाइस। तो 10-10 ईच लेग से 3 सेट्स आपको करने हैं, हर एक्सरसाइज के 3 सेट्स, 10-15 अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कैपेबिलिटी। और प्लीज इनहेल एक्सहेल करते रहिएगा। हम जो 4th एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है फ्रॉग क्रंचेस। अगेन थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे, तो शुरुआत में जब आप इसे करोगे तो हो सकता है आपका बॉडी पोस्चर सही ना आए, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपका बॉडी पोस्चर भी ठीक होता जाएगा। तो देखिएगा, आपको इस तरीके से बैठना है, पैर हवा में रखने हैं, हाथ इस तरीके से करने हैं और ये इस तरीके का पोज आएगा जैसे कि फ्रॉग का पोज आता है। तो दीज आर फ्रॉग क्रंचेस, ध्यान रखिएगा। एक्सहेल गाइस, अब हम आ चुके हैं 5th एक्सरसाइज पे क्रंचेस की, और ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है और इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई क्रंचेस। अब बटरफ्लाई क्रंचेस है तो बटरफ्लाई के विंग्स जैसे होते हैं, कुछ उस तरह का पोस्चर यहाँ पे बनेगा। तो आपको अपने पैरों को इस तरीके से रखना है, ठीक है, ऐसे रखेंगे, दोनों जो आपके हील्स रहेंगे वो टच करेंगे और आपको अपनी जो मैट है उस पे लेट जाना है और फिर आप पीछे से इस तरीके से आगे आएंगे और अपने पैरों को टच करेंगे। का ध्यान रखिएगा गाइस, और आपका जो पूरा स्ट्रेस होगा वो आपके एब्डोमेन और बेली पे होगा, जिससे बेली फैट जो है आपका कम होगा।
पांच सिंपल सी एक्सरसाइज क्रंचेस की जो आप कहीं पे भी अपने घर में किसी भी कोने पे अपनी छत के किसी भी कोने पे कर सकते हो, आपको हेल्प करेगी ये बेली फैट और एब्डोमिन फैट को रिड्यूस करने में, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, इनहेल एक्सहेल करते रहिएगा, पोस्चर का ख्याल रखना है। इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट यार कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपको 3 सेट करने हैं इसके, 2 हफ्ते लगातार आपको फर्क दिखाई देगा। हर सेट में हर एक्सरसाइज को आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है, डिपेंड अपॉन योर स्टेमिना, अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग चीजें करिएगा। चीजों को ज्यादा ओवरबर्डन मत करना, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग से भी आपको दर्द हो सकता है, आपकी मसल्स खिस सकती है। तो गाइज, आई होप ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेंगी हेल्दी रहने में, और जितनी भी नेगेटिविटी हो रही है इस लॉकडाउन के दौरान उस सबको हटाने में। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।